बिल्ली जो पाली मैंने वो बात मेरी ना मानी, चूहे से दिल लगाकर कर बैठी नादानी। तुम अपने आप को बहुत चालाक समझती हो ना? तुम जानती थी कि उस तिजोरी को खोलने के लिए एक चाबी और लगेगी। मुझे नहीं पता था। झूठ मत बोल। मुझे पप्पा की कसम, मुझे नहीं पता था। झूठ क्यों बोलूंगी मैं? सुनहरी, कौवा जब हंस की चाल चलता है ना, तो खुद अपनी चाल भूल जाता है। तेरे को क्या लगता है तो उन लोगों की माफी हो जाएगी? इम्पॉसिबल है। अरे तू चोर है, अक्खा जिंदगी चोर ही रहेगी। और चोर का काम क्या है? चोरी करना हा? और बाकी सब बातें बस बातें ही हैं। समझा इसको। लेकिन कोई लेकिन लेकिन नहीं, तू भूलने की चाहे लाख कोशिश कर ले कि तू एक चोर, हम तुझे कभी भूलने नहीं देंगे। और अगर तूने अपना दिमाग ठिकाने नहीं रखा ना, तो मजबूरन मुझे रेहान को तुम्हारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। तेरी सच्चाई के बारे में रेहान जानेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा? वो बनने की कोशिश मत कर जो तू नहीं है। पुरानी सुनहरी बनकर हमारे इस काम में हमारी हेल्प कर। ये प्यार व्यार का चक्कर ना अपने लोगों के लिए नहीं है बेटा। क्या प्यार व्यार का चक्कर? और क्या बातें कर रहे हैं आप दोनों? ऐसा कुछ नहीं, रेहान एक अच्छा लड़का है और मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और 20 साल से तवायफ हूं मैं, दुनिया देखी है मैंने, आंखों में देखकर ना दिल का हाल समझ लेती हूँ। धंधा है अपना, और ये लव शव का चक्कर है ना, ये सब अपने बॉडी में ना वो सारा केमिकल लोचा होता है ना वो है। अरे तूफान की माफिक आता है तो थोड़ी ही देर में सब सेटल हो जाता है, लेकिन ये थोड़ी ही देर में ना इंसान बेवकूफ की माफिक अक्खा जिंदगी का वाट लगा देता है। मेरी एक बात कान खोल के सुन, अब तिजोरी से माल हम नहीं तू चुराएगी। तुम्हारे पास सिर्फ कल शाम 7 बजे तक का वक्त है, हम 7 बजे तुम्हारा स्टेशन पर इंतजार करेंगे। अगर तुम चोरी के माल के साथ 7 बजे वहां नहीं आई ना, तो मजबूरन मुझे रेहान को सब कुछ बताना पड़ेगा। रेहान बेटा, कैसे हो बेटा? सॉरी हाँ, कल रात के लिए वो क्या है ना कि हम पहुंच जाते, लेकिन ये सुनहरी के पापा ना रास्ता ही भूल गए। डिनर कैसा रहा आपका? डिनर ठीक था आंटी, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाना लाया हूँ। और सुनहरी, तुम्हारा सर दर्द हो रहा था, तुमने दवाई ले ली? अरे क्या हो गया, क्या हो गया मेरी बच्ची को? अरे मेरी बच्ची, बताती क्यों नहीं है? तुमने तो बताया भी नहीं मुझे। अरे कभी नहीं बताती है। रेहान बेटा, तुम तो बहुत ही अच्छे हो, हम सब लोगों का इतना ख्याल रखा, तुम्हारा शुक्रिया। नहीं नहीं अंकल, शुक्रिया कहने की कोई बात नहीं है। मुझे आप लोगों के साथ अच्छा लगता है। मेरी कुछ मीटिंग्स रह गई है तो मैं वो खत्म करके आता हूँ, आप ये खाना ले लेंगे प्लीज? हाँ, क्यों नहीं? मैं निकलता हूँ, थैंक यू, खुदा हाफिज़।